बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित हिंदी साहित्य अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी इसका शुभारंभ करते हैं। आज के सेशन में पहले ही मैं आपको बता दूं कि मैं 15 क्वेश्चन लिया हूं जो साहित्य के हैं, यानी 15 क्वेश्चन हम साहित्य पर आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आपके सामने आप तेजी से उत्तर देने का प्रयास करिएगा कि आपका उत्तर जो भी हो वो सही होना चाहिए, इस प्रकार से अपना प्रयास भी आप कीजिएगा। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या है, ये आपको बताना है क्या है। सुजान चरित के रचनाकार हैं, यानी आपको ये पूछा है कि सुजान चरित के रचनाकार कौन है, ऐसा पूछा है। ऑप्शन में बोधा दिया गया है, घनानंद दिया गया है, सुदन दिया गया है, रसनिधि दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि इसका उत्तर कौन सा होगा, क्या बोधा होगा। ध्यान से देखिए, सुजान चरित क्या बोधा होगा, या घनानंद, या सुदन, अथवा रसनिधि होगा। उत्तर क्या होना चाहिए इसका प्यारे, उत्तर जो होगा सुजान चरित के जो रचनाकार हैं वो कौन से हो जाते हैं, वो सुदन हो जाते हैं। तो उत्तर क्या मिलेगा आपको, सुदन मिलेगा। इस प्रकार से कौन सा उत्तर सही हो गया, उत्तर जो सही हुआ वो हुआ कौन सा, सी विकल्प आपका सही हो जाता है। तो कौन सा उत्तर हुआ, सी विकल्प आपका सही हो जाता है। थोड़ी सी इनके बारे में देख देते हैं। सुदन जो है, सुदन ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है, किसके हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है। ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे, ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम क्या था, बसंत था, यानी बसंत लाल इनके पिता का नाम होता है। ये भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह यानी सूरजमल के यहां रहते थे, और इन्होंने सुजान चरित की रचना, किसकी, सुजान चरित की रचना अपने आश्रय दाता बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके लिखे हैं। तो किसको लिखे हैं, सुजान सिंह को यह लक्ष्य करके, क्या सुजान चरित की रचना इन्होंने किया, किसने, सुदन ने किया, किसने, सुदन ने किया। ध्यान से रखिएगा ये आपका, तो उत्तर इसका क्या हो गया, सी विकल्प आपका सही हो जाता है। इस रचना में सूरजमल की वीरता इसके बारे में बताया गया, वीरता की जो घटनाएं कवि ने वर्णित की है वे कपोल कल्पित नहीं बल्कि ऐतिहासिक है, यानी ऐतिहासिक रूप से ये लिखा गया है। इस ग्रंथ का, इस ग्रंथ के आरंभ में 175 कवियों के नाम गिनाए गए हैं। ध्यान में रखिएगा कितने कवियों के, 175 कवियों के नाम गिनाए गए हैं। और यह जो है यह वीर रसात्मक प्रबंध काव्य, ध्यान में रखिएगा एक ऐसा प्रबंध काव्य है, वीर रसात्मक प्रबंध काव्य है। इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का, यानी अनेक युद्धों का वर्णन है, इसलिए इसके अध्याय का नाम रखा गया है जंग रखा गया, यानी अध्यायों को इन्होंने क्या कर दिया, जंग रखा गया। और इसमें कितने जंग है, जैसे अध्याय 7 अध्याय, 5 अध्याय, 10 अध्याय, 18 अध्याय, इस प्रकार से इन्होंने क्या अध्याय का नाम जंग रखा। और जंग को कितने, कितने जंगों में विभाजित किया, इसको 7 जंगों में विभाजित किया। कितने जंगों में विभाजित किया, यहाँ लिखा होगा कि युद्धों का, इसमें यह वीर रसात्मक प्रबंध काव्य है, इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का वर्णन है, इनके अध्यायों का नाम जंग है, और इसमें 7 जंगों, यह किसमें, 7 जंगों में समाप्त हुआ है। कितने जंगों में समाप्त हुआ है प्यारे, 7 जंगों में यह क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। इसमें पंजाबी खड़ी बोली का मिश्रण भी मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आपको बताना है क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। उत्तर क्या होगा, कौन सा विकल्प सही नहीं है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है नहीं, वैसे ये आसान सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत कठिन क्वेश्चन है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो आपका उत्तर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह, ये स्नेह होगा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। मैं इसको थोड़ा सा, चलिए रहने दीजिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक उसे आना बाक नहीं। मैंने ऑलरेडी बताया है कि घनानंद का बाक नहीं, घनानंद, भाषा बोल न जाने ही जिनके कुल के दास
मुझे लग रहा है कि यहीं से समझ आ जाना चाहिए किसका है ये बेटा है, किसका, केशवदास का, केशवदास का है ये, तो आप लोग बता ही देंगे, यानी भिखारी का ये नहीं होता है। तो उत्तर क्या है, कौन सुमिलित नहीं है, बी विकल्प क्या हो जाएगा, या सुमिलित नहीं होगा। तंत्री नाद कवित्र सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, ये बिहारी लाल का होता है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके, सब अंगन चार गुराई, ये किसकी है, मतिराम का है। तो मेरे पूछने का अर्थ ये है कि आप तो ये तो जानते ही हैं, बाकी ये भी आप जानते हैं, इन दोनों को भी आप जान लीजिए कि इन्हीं का है, यानी इनका होता है। भाषा बोले न जान ही जिनके कुल के दास, ये केशवदास का है, इसको आप लोग जानते हैं। लेकिन मेरा उत्तर ये है, मेरा प्रश्न है कि आप इनको भी जान लीजिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका उत्तर जान लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। भाषा बोलने जाने ही गिलजिन के कुल के दास, यह पंक्ति किसकी होती है, केशवदास की होती है, आपको पता ही है केशवदास की होती है। यह केशवदास जो है ये रीतिबद्ध काव्य धारा के, इतना तो पता ही है, और इन्होंने केशवदास को आचार्य और कवि दोनों माना गया है। विश्वनाथ मिश्र केशव को हिंदी का प्रथम आचार्य मानते हैं, ऐसा माना गया है। केशव अलंकारवादी आचार्य कैसे है, अलंकारी अलंकारवादी आचार्य है। यह धारणा थी कि कविता और कामिनी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती, तो इन्होंने लिखा, जदव सुजात सुलक्षणी सुविरन सरस सुवृत्त भूषण बिन न विराजई कविता बनता। इन्होंने ये पंक्ति किसकी होती है, इन्हीं की होती है। इनकी रचनाएं क्या है, रामचंद्रिका है, रतन बावनी है, वीर सिंह देवचरित है, जहांगीर जसचंद्रिका है, विज्ञान गीता है, आदि तमाम रचनाओं को इन्होंने क्या किया है, किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और 3 का उत्तर आप बताइए कि क्या होगा। बिहारी ससई के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना चाहिए, बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा, 3 का उत्तर क्या होगा। बिहारी ससई को श्रृंगार भक्ति एवं नीति की त्रिवेणी माना जाता है, ये तो सही है। बिहारी ससई को रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक प्रचारित कृति माना जाता है, ये भी तो सही है। बिहारी ससई प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है। बिहारी ससई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण कल्पना की समाहार शक्ति और अभिव्यक्ति की समास शैली है, भी बात सही है। यानी बिहारी ससई प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है, ये वाला गड़बड़ है। बिहारी ससई प्रबंधात्मक शैली में नहीं है, बल्कि किस शैली में है बेटा, ये मुक्तक शैली में। किस शैली में है प्यारे, ये मुक्तक शैली में होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सही नहीं है, आपका सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिहारी ससई प्रबंधात्मक काव्य न होकर के क्या है, यह मुक्तक काव्य है। मुक्तक शैली में रचित इस कृत में सभी गुण विद्यमान हैं जो सफल मुक्तक काव्य के लिए आवश्यक माने गए हैं। बिहारी लाल ने मात्र एक ग्रंथ लिख करके, बिहारी ससई लिख करके, जो 713/719 इसमें दोहा है, वो क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। इनका कहा जाता है ससई गागर में सागर भरने की जो इनकी कला है, वो ससई में आपको इनके दोहों में मिल जाती है, ऐसा तमाम बातें इनके बारे में, बिहारी जी के बारे में कहा गया है, तो इसको आप लोग भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप बताइए कि क्या होगा, 4 नंबर का उत्तर बताइए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उनकी कविता के साथ सुमेलित कीजिए। 4 नंबर का जो प्रश्न है ये आपको बताना है कि यहाँ पर 4 विकल्प इधर दिए गए, उधर पंक्ति, इधर कवि, इसको सुमेलित करना है। अति सुधो स्नेह को मारगु है, अभी मैं ऊपर आपको बताया हूँ। साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, गुलगुली गिल में गलीचा है गुणी जन। आगे के कविरीज है तो कविताई, नहीं तो राधिका कन्हई सुमरन को बहानो है। ये किसने कहा, आपको ये पंक्ति है और ये इधर कवि है, आपको बताना है 4 का उत्तर क्या होगा। 4 नंबर का उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो 4 का उत्तर क्या होगा प्यारे, अति सुधो स्नेह को मारग है, ये बताइए ये किसका है, किसका है, अति सुधो स्नेह को मारग है, ये किसका है, किसका है प्यारे,
घनानंद का है, अभी पढ़े हैं ना, तो घनानंद लगा दीजिए। ए फाइव कहाँ है, ए फोर, ए टू, ए फाइव, ए फाइव, अच्छा दो हो गया, ए फाइव दो हो गया। बी थ्री साज सुरंग बीर रंग में तुरंग चढ़ी, बी थ्री भूषण का है, बी थ्री भी हो गया। अच्छा सी गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन, ये किसका है भाई? अच्छा मान लीजिए कि अभी मैं बता दे रहा हूं लेकिन ये आपको बताना है, हालांकि मुझे याद है, ध्यान में रखिएगा। आगे के खबरी जी है तो कविताई नहीं तो राधिका, कन्हाई सुमिरन को बहानो है, डी का कौन होगा? ये कौन है, आपका उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी विकल्प हो जाएगा, सी का वन, सी का आपको कौन होगा, वन होगा, और डी का क्या हो जाएगा, सी का वन नहीं, सी का फोर होगा, सी का वन कहाँ गया, सी गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन है, वन पद्माकर का है, एकदम सही है। और आगे के कबरी जी है, अब भिखारी दास की है ना, ये तो भिखारी की है, तो थोड़ा मिला दो भाई, ए का फाइव, ए का फाइव मिला दो यहाँ पे, ठीक है। बी साज चतुरंग, साज चतुरंग वीर रंग में, ये कौन हो जाएगा, ये भूषण का हो जाएगा, अच्छा ये वाला होगा भूषण का, कहाँ गड़बड़ा जा रहा है, ये क्या होगा, भूषण का होगा। सी का आपको गुलगुली बिल में गलीचा है किसका है, वन हो जाएगा, पद्माकर को हो जाएगा, और डी किसका हो जाएगा, ये भिखारी दास का हो जाएगा। तो ये कौन सा विकल्प मिलेगा, डी वाला मिलेगा ना, गलन नहीं लग रहा है जी, देख लीजिएगा, गलन लगेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ये डी विकल्प चार का उत्तर क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चार यहाँ लिखिए, क्वेश्चन नंबर पांच, पांच का उत्तर बताइए क्या होगा। आलम बोधा ठाकुर और घनानंद किस कवि धारा के प्रसिद्ध कवि हैं? अब ये भी अगर न बता पावे तो फिर समस्या ही है। आलम बोधा ठाकुर घनानंद, मुक्त मुक्त कवियों की प्रेम पद्धत शास्त्रीय परंपरा पर आधारित न होकर अनुभूति आधारित उदात्त भावना को व्यक्त करता है। उदात्त भावना मतलब उदार भावना को क्या करता है, व्यक्त करता है। रीति मुक्त कवि न तो सिद्धांत व लक्षण ग्रंथों की रचना की है और न ही उन सिद्धांतों और लक्षणों के प्रति आस्था प्रकट की है। रीति मुक्त नाम ही है, स्वच्छंदता का नाम है, यह एक परंपरा से मुक्त होकर काव्य रचना की है, इसी कारण ये रीति मुक्त यानी स्वच्छंद विचारधाराओं पर आधारित इन्होंने लिखा, इसलिए इन्होंने क्या कहा, रीति मुक्त कवि कहा गया। रीति मुक्त काव्य धारा की निम्न विशेषताएं हैं, क्या है इनको देखिए, अनुभूति पक्ष की विशेष प्रधानता, शास्त्रीय परंपरा पर आधारित काव्य की उपेक्षा, स्थूल व मानसल सौंदर्य चित्रण की उपेक्षा, फारसी शैली का प्रभाव, ये इनका क्या होता है, ये इनका जो होता है आपका, इनका क्या हो जाता है, इनकी विशेषता हो जाती है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल का जो ट्रेंड चला है वो विशेषता को लेकर के काफी चला है, स्टेटमेंट को लेकर चला है, कवि की कविता की अंदर की बात पूछी जा रही है, मतलब एक ट्रेंड चला है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर छह, आपको करना क्या है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित करना है। इधर बिहारी लाल चिंतामण मतिराम देव है, इधर इटावा बनपुर बसुआ गोविंदपुर और तिकवापुर, तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी का गलत होना चाहिए। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर छह, छह का उत्तर बताइए क्या होगा, छह का उत्तर बताइए क्या होगा, छह का उत्तर बताइए क्या होगा, यहाँ पर छह नंबर, छह का उत्तर क्या होगा, बिहारी लाल कब के हैं, बिहारी लाल कहाँ के हैं? अच्छा इसमें जो है कोई बात नहीं है, चिंतामणि कहाँ के हैं, चलो मतिराम कहाँ के हैं, जहाँ तिकवापुर है वहीं है, देव कहाँ के हैं, इटावा के हैं। अच्छा मुझे लग रहा है
डी वन से ही पकड़ में आ जाना चाहिए क्या? डी वन, अच्छा नहीं पकड़ में आएगा, तो चिंतामणि से दो का फोर, दो का फोर, अच्छा जी इससे पकड़ में आ जाएगा, एक अगर जानेंगे डी वन, ये वाला आपको उत्तर सही हो जाएगा। ए थ्री यानी वन का थ्री, यहीं पे जब ऐसा हो ना तो आप जब करिए ना यहीं पर लिख दीजिए, टू का फोर आवलिक टू का फोर, यहाँ पर मिलान करेंगे सही रहेगा, तीन का दो, तीन का दो ठीक है, और चार का एक, यहाँ जब लिख देंगे आप पेपर जब करिएगा तो आसान हो जाएगा मिलाने में, नहीं तो पुनः क्या हो जाता है आपको जब वहां से तीर मारते हैं तो तीर इधर उधर चला जाता है, वहां लिख देंगे तो आपको आसानी से कई बार मिला सकते हैं, ऐसा हो जाता है, तो इसका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिहारी लाल बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में है, आप जानते हैं जन्म ग्वालियर जानकी, चिंतामणि तिकवापुर यानी कानपुर है, मतिराम बनपुर फतेहपुर, देखिए बेसिकली ये भी तिकवेपुर में हुआ था इनका जन्म, लेकिन है वहीं के, लेकिन ये जो है अब चूंकि यह वहां से हट करके यहाँ है इसलिए इनका जो जन्म है बनपुर है, ये उस समय इस समय फतेहपुर में हो गया, उस समय कानेपुर में था, देव जो है यह इटावा के हैं आप ये जानते हैं, तो ये आपका उत्तर रहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रीतिकालीन आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है, किसकी? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रीतिकालीन आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सात, सात का उत्तर बताना है कि क्या होगा, सात का उत्तर बताइए कि क्या होगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रीतिकालीन आलोचनात्मक ग्रंथ ने बिहारी की वाग विभूति है या भूषण ग्रंथावली है या पद्माकर पंचामृत है या रीतिकाल रीतिबद्ध है, आपको बताना है कि किसका है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रीतिकालीन आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है, तो रीतिकाल रीतिबद्ध किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है ना, ये किसकी है होती है प्यारे? ये डॉक्टर नगेंद्र की होती है, किसकी होती है? डॉक्टर नगेंद्र की ये पुस्तक होती है, किसकी होती है लाल? डॉक्टर नगेंद्र की ये रीतिकाल रीतिबद्ध है। यह रीतिकाल रीतिबद्ध काल का यह नागरिक पचारणी सभा प्रकाशित के द्वारा डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक ये मानी जाती है, किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है, डॉक्टर नगेंद्र की ये पुस्तक होती है। आइए रीतिकाल के संदर्भ में रीतिकाव्य किसे कहा जाएगा, रीतिकाल के संदर्भ में रीतिकाव्य किसे कहा जाएगा? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर आठ है, आठ का उत्तर बताइए कि रीतिकाव्य के रीतिकाल के संदर्भ में रीतिकाव्य किसे कहा जाएगा, ये आपको बताना है। क्या जिसकी आत्मा अलंकार युक्त हो या जो गुण विशिष्ट रचना है वो, या जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे वो, या जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रख कर की गई हो, इसे रीतिकाव्य, रीतिकाल के संदर्भ में रीतिकाव्य किसे थे? चूंकि काव्य की बात है तो यहाँ पर जरूर यह होगा कि जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, ठीक है, इसलिए उत्तर है यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे? आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति, किसी विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रखकर की गई हो वह रीति काव्य कहलाता है। रीति काल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है, काव्यों के अंग के निरूपण के रूप में हुआ है। रीति काल के अधिकांश ग्रंथ काव्यांग निरूपण करते हुए लिखे गए हैं, अतः कालखंड में रीति ग्रंथों की रचना अधिक हुई है। इस प्रकार व्युत्पत्ति प्रयोग और परंपरा के आधार पर कहा जा सकता है कि रीति शब्द संस्कृत के, रीति शब्द संस्कृत के समान हिंदी में भी बहुत पहले से काव्य रचना पद्धति के लिए रूढ़ है, ऐसा कहा जा सकता है। रीति शब्द को इसी रूढ़ अर्थ में ग्रहण करते हुए कह सकते हैं कि रीतिकाल वह काल है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति तथा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? रीतिकाल कहते हैं। एक परिभाषा रीतिकाल की भी
ये दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, 9 नंबर का आप बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है। 9 नंबर का कहते हैं, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा गलत है। ध्यान में रखिएगा, कविकुल कंठाभरण क्या दूल्हा की है, रस सारांश भिखारी दास की है, श्रृंगार सागर आलम की है, या रस रहस्य कुलपत मिश्र की है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आपको बताना है, अगर नहीं है तो किसकी है बताइए। अगर हम नहीं है तो कौन सी गलत है, अगर गलत है कवि कुलकंठाभरण दूल्हा की है कि नहीं है, रस सारांश भिखारी दास की है कि नहीं है, श्रृंगार सागर आलम की है कि नहीं है, रस रहस्य कुलपत मिश्र की है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर किसकी है, जैसे कवि कुलकंठाभरण दूल्हा की है ये तो आप जान ही रहे हैं, रस सारांश भिखारी दास की है ये भी बात सही है, श्रृंगार रस आलम की है नहीं है। अगर श्रृंगार रस आलम की नहीं है तो फिर किसकी है, ये आपको क्वेश्चन बनाना है। रस रस कुलपत मिश्र की है, आप ये जान लीजिए श्रृंगार सागर ये आलम की रचना नहीं है। अब बात आती है, अगर इनकी रचना नहीं है तो किसकी रचना ये होती है। श्रृंगार सागर आपको ये बताना है किसकी रचना होती है, आपको बताना है श्रृंगार सागर किसकी है। एक कवि हुए हैं मोहनलाल, कौन हुए हैं मोहनलाल हुए, इन्हीं की ये क्या होती है रचना होती है। श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र की रचना होती है, किसकी है प्यारे मोहनलाल मिश्र की ये क्या है रचना है, ध्यान में रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10, नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यह काल, अली कली ही स्यों मधे आगे कौन हवाल। तमाम कई बार मैंने इसको पढ़ाया है, आपने पढ़ा भी है, आपको ये बताना है कि यह दोहा किसके लिए लिखा गया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें किसी का गलत होगा, यानी लगभग लगभग सभी लोग इसमें सही देंगे, भावा सिंह देंगे, उद्योग सिंह, जय सिंह, जी सिंह, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत देने वाला है इसका उत्तर। और ये रहा आपका सही उत्तर भी आ रहा है, और ये रहा आपका जय सिंह, क्या रहा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 का सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, जय सिंह सही हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुरवन, इसकी कई बार मैंने व्याख्या आपको बता चुका है। बिहारी लाल ने यह दोहा महाराजा जय सिंह के लिए लिखा, ये तो बात सही है। कहा जाता है कि बिहारी लाल जब जयपुर पहुंचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए भी बाहर निकलते ही ना थे। तो बिहारी लाल ने यह दोहा महाराज के पास लिखकर भेजा। बिहारी के इस दोहे का बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा और महाराजा जय सिंह तथा रानी चौहानी दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए और बाहर आए। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बिहारी लाल को काली पहाड़ी नामक ध्यान में, ये वाली ध्यान रखने वाली है कि क्या काली पहाड़ी नामक ग्राम क्या दिए, उन्होंने दान में दिया। काली पहाड़ी नामक एक ग्राम था, वो दान में इनको दे दिया। इस प्रकार बिहारी लाल ने 700 दोहे बनाए जो बिहारी ससई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 700 दोहे मतलब 713 या 719 दोहे बनाए बिहारी ससई। बिहारी लाल केवल दो ही छंद अपनाए, दोहा को और सोरठा को, दो ही छंद इन्होंने क्या किया है अपने लेखन में अपनाया है। सधन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन भय जात अजो वहे वा यमुना के तीर, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति भी होती है। इनकी तमाम पंक्तियां हैं आप लोग जानते भी हैं, तो बिहारी की कुछ प्रमुख पंक्तियों को आप लोग, मैं किसी दिन आपको करा भी दूंगा, लेकिन आप लोग स्वयं से थोड़ा सा बिहारी के जो प्रमुख पंक्ति है उसको देख लीजिएगा, मैं भी आपको करा दूंगा। निम्न पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है, कोई पंक्ति है किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है आप बताएं। चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम संगति न माने, पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में लिखी गई। अच्छा पूछा गया है निम्न पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में लिखी गई है, अच्छा ये किस कवि की प्रशस्ति में लिखे,
यानी कोई लिखने वाला अलग है, ध्यान में रखिएगा, किसके बारे में लिख रहा है ये भी अलग है। आपको दो क्वेश्चन यहाँ बताना है कि किस कवि के प्रशस्ति में लिखी गई और किस कवि ने लिखा है। तो मुझे लग रहा है किस कवि के प्रशस्ति में लिखी गई हो सकता है आप बता दें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप ये बता पाएंगे कि किस कवि ने लिखा है। बताएं किस कवि ने लिखा है ये आपको बताना है, बताना है। तो चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम संगति न माने, ये घनानंद के बारे में लिखा गया है। लिखा गया है तो घनानंद के बारे में। अब बात बात आती है कि घनानंद के बारे में तो लिखा गया है, लेकिन लिखा किसने है। एक कोई कवि थे जिनका नाम था ब्रजनाथ था, एक कवि कोई है जिसका नाम है ब्रजनाथ है, तो ब्रजनाथ जी ने, ब्रजनाथ जी ने यह प्रशस्ति किसके, घनानंद के बारे में लिखा है। ये ध्यान में रख रख लीजिएगा, इनका नाम आप ध्यान में रख लीजिएगा कि ब्रजनाथ जी ने घनानंद के बारे में यह बात लिखी है। उपरोक्त पंक्ति घनानंद की प्रशस्ति में किसी ब्रजनाथ कवि ने, कोई ब्रजनाथ कवि थे उन्होंने ही लिखा है। साहित्य और संगीत दोनों में ही इनकी असाधारण गति थी, ये फारसी भाषा में कविता करते थे। इन्होंने रीत की बधी हुई वृत्तियों पर आधारित काव्य रचना नहीं की, इसी कारण से इन्हें रीति मुक्त काव्यधारा अथवा स्वच्छंद काव्यधारा में का कवि कहा जाता है। ठीक है, घनानंद ने अपनी कविता में लक्षणा का मार्ग अपनाया है, और लक्षण आप जानते हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा। अभिधा सीधा वाली बात, लक्षणा मुहावरेदार बात, और व्यंजना व्यंग्यात्मक रूपी भाव होता है। घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है, और तथा प्रिय अलंकार कौन सा है, विरोधाभास है। प्रिय अलंकार विरोधाभास है। इनकी कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता और उक्त वैचित्र की प्रधानता यहाँ पर क्या होती है, मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि क्या होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य केशव दास का कौन सा ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ कहलाता है। मुझे ये नहीं लगता है कि आपको नहीं बता पाएंगे, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कविप्रिया और रसिक प्रिया में से आपको बताना है कि कौन सा क्या है यह आध्यात्मिक ग्रंथ कहलाता है। नाम से भी लग रहा है आध्यात्मिकता, इन चारों में से नाम से तो एक रामचंद्रिका भी लग रहा है, लेकिन आप जानते हैं रामचंद्रिका बारे में, कौन सा आध्यात्मिक ग्रंथ कहलाता है, कौन सा है प्यारे, विज्ञान गीता। क्या है, विज्ञान गीता। तो बी विकल्प आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कौन सा, बी विकल्प आपका सही हो जाता है। केशव दास की विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय, कृष्ण का एक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय का, छंदोबद्ध बिहारी ने क्या किया है, छंदोबद्ध अनुवाद किया है इसी का। यह आध्यात्मिक और वैराग्य से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। इसमें केशव दास के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई, क्या हुई है, इसमें केशव दास के कौन सी दार्शनिक विचारों की क्या हुई है, अभिव्यक्ति हुई है। निम्न में से किस कवि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में रखा है, किस कवि को क्या भक्ति काल में रखा है आपको, चिंतामणि को, सेनापति को, भूषण को, मतिराम को। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, किसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में रखा है, यहां बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल में चिंतामणि को रखा है, सेनापति को रखा है, भूषण को रखा है, या मतिराम को रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या होगा, 13 का उत्तर चिंतामणि, सेनापति, भूषण, मतिराम। चलिए किसको रखा है, सेनापति को रखा है। इन्होंने क्या किया है, सेनापति को रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, रामचंद्र शुक्ल ने किसमें, भक्ति काल में रखा है। सेनापति भक्ति काल तथा रीत काल के संधि युग के कवि है। सेनापति रामोपासक कवि होते हैं, किसके, राम के उपासक कवि होते हैं। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव पड़ा, जिनमें से भक्ति एवं श्रृंगार दोनों का मिश्रण मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि, क्या लिखते हैं, ये बड़े ही सहृदय कवि थे,
ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया, ऐसा जो है ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, सेनापति के बारे में लिखा है। इनकी दो रचनाएं काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर ये बड़ी प्रसिद्ध है। इनकी काव्य पंक्ति है, बाल को सपूत कवि कुल पुरोहूत, रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को, युद्ध मत गाढ़ो पाओ रूप भयो ठाढ़ो सेना, पति बल काढ़ो रामचंद्र भोपाल को। ये क्या होती है इनकी, कौन सी, ये इन्होंने ये प्रसिद्ध क्या पंक्तियां ये लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है, रीति काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 14। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 14 का उत्तर बेटा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अलंकृत काल। ये तो आसान सा है, मिश्र बंधुओं ने कहा। किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने इसको कहा है। किसने कहा है प्यारे, मिश्र बंधुओं ने इसको कहा है, क्या, अलंकृत काल इसको कहा है। आप ये जानते हैं, मिश्र बंधुओं के बारे में जानते हैं कि मिश्र बंधु तीन भाई थे। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की क्या किया है, रचना किया है। मिश्र बंधु विनोद चार भागों में विभाजित है, विभक्त है, जिसमें प्रथम तीन भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णन है, यानी लगभग कहा जाता है कि 5000 कवि, लेकिन 4591 एग्जैक्ट है। इस ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ साथ उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का इन्होंने क्या किया है, प्रयास किया है। और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, इसको आपको बताना है। आज के सेशन का क्या है, ये लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर कितना 15 का उत्तर बताइए कि क्या होगा। 15 का उत्तर क्या होगा, पूछा गया है केशवदास की किस रचना में कुंवर रतन ने ओजस्वी व्यक्तित्व की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। केशवदास की किस रचना में कुंवर रतन के ओजस्वी व्यक्तित्व की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि किसमें मिलती है, किसकी, कुंवर रतन के बारे में ओजस्वी, तो कुंवर रतन है तो रतन बामनी हो जाएगा जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, रतन बामनी हो जाएगा, ठीक है। रतन बामनी में 53 छंदों में यह जो है स्तुति परक इन्होंने अपना बताया है, और लगभग 1607 ईस्वी के आसपास इसकी क्या हुई है, लेखन यानी रचना हुई है। इस प्रकार से आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। 15 क्वेश्चन का यह सेशन था साहित्य की अवधारणा से, रीति काल की अवधारणा से, तो मैंने इसको लिया। अब पुनः हमारी मुलाकात आपको होगी अगले दिन, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। यूं मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। जय जय श्री राधे, आप सभी लोगों को ईश्वर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। राधा रानी बंसीधर कन्हैया श्री कृष्ण जी महाराज आप पर कृपा करें और आप एकदम स्वस्थ मस्त और व्यस्त हो। तब तक के लिए सभी लोगों को दिल से राधे राधे।